Good morning, parents and my dear children. Ma'am is again here for the one activity. आज हम एक activity करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिंदी पेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा मैम कैसे एक्टिविटी बता रही है और कैसे कलर करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैम आपको दिखा रही है कि ये आपका एक्टिविटी पेपर है. ठीक है, मम्मा से बोलना है पंच पेपर लेना है. पंच पेपर में मम्मा बिल्कुल ऐसे पिकॉक ड्रॉ करेंगे. ठीक है, पहले आउटलाइन ब्लैक कलर से, उसके बाद आपका नेम, क्लास, सेक्शन एंड डेट. ठीक है, आज की डेट क्या है? 15 जनवरी. ठीक है, उसके बाद मम्मा या तो इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगी या आपके लिए पंच पेपर में इसको बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करेंगी जैसे मैम ने किया. ये देखिए मैम पास से भी दिखा रही है आपको, ये क्या है? पिकॉक. क्या है? पिकॉक. और इसमें हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे? बिंदी पेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है, बट उससे पहले मैम इसमें आपको कलर करवाएंगी. ठीक है, और कलर करवाने के बाद आपको बताएंगी कि आपको बिंदी कहाँ पर लगानी है. कहीं पर भी नहीं लगानी है, जहां पर मैम बताएंगी आपको सिर्फ वहीं पर बिंदी पेस्टिंग करनी है. तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कलरिंग हमें कहाँ पर करनी है. ओके, दिस इज द पिकॉक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक रेड कलर, दिस रेड कलर एंड रेड कलर वी विल डू इन द बीक. ओके, कहाँ करें हम? पिकॉक की बीक में हम कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर. कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर. ओके, अंडरस्टूड? और जो ऊपर ये दिख रहा है ना बना हुआ, इसमें भी हम कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर. डू डार्क डार्क कलरिंग. ओके, डार्क डार्क कलरिंग करनी है आपको, डार्क रेड कलर करना है. ठीक है, ये देखिए बीक में भी रेड कलर करेंगे एंड ऊपर जो मोर का बना है ना उसमें भी हम क्या कलर करेंगे? रेड कलर. ओके, नाउ उसके बाद मैम लेंगी येलो कलर. विच कलर? येलो कलर. एंड येलो कलर वी विल डू हियर. फर्स्ट वी मेक आउटलाइन एंड हियर वी डू येलो कलर लेफ्ट टू राइट. ओके, क्लियर? एंड टॉप ऑल्सो वी विल डू रेड कलर. इन द सर्कल ऑल्सो वी विल डू रेड कलर. क्लियर? सबको दिख रहा है? मैम ने कहाँ कहाँ रेड कलर किया? नाउ वी गो फॉर द लेग्स. लेग्स वी विल डू विथ ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर. Legs we do with light green color. Color बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए और डार्क डार्क कलर करना है. ठीक है, ओके. नाउ अब हम करेंगे बॉडी में कलर. ठीक है, तो कौन सा कलर लेंगे हम? डार्क ब्लू कलर. कौन सा कलर लेंगे? डार्क ब्लू कलर. और आईज में हम कलर बिल्कुल नहीं करेंगे. आईज में कलर बिल्कुल नहीं करेंगे. तो सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे. ठीक है, और आईज को छोड़ देंगे बिल्कुल, आईज में कलर नहीं करेंगे. ये हमने आउटलाइन बनाई, ये हमने आउटलाइन बनाई. ठीक है, ये देखिए मैम ने आउटलाइन बनाई. ओके, और अब हम लेफ्ट टू राइट कलर करेंगे. ठीक है, और आईज को बिल्कुल छोड़ देंगे. ठीक है, आईज में हम बिल्कुल ब्लू कलर नहीं करेंगे. क्लियर? और लेफ्ट टू राइट करके हम ये पूरा यहाँ पे ब्लू कलर करेंगे. नाउ सी मैम ने कहाँ तक ब्लू कलर करिया?
कहाँ तक किया है? सिर्फ बॉडी में कलर किया है, डार्क ब्लू कलर, ठीक है। अब मैम ने जहाँ पे येलो और रेड कलर किया उसमें यहाँ पे व्हाइट पोर्शन है ना, इस व्हाइट पोर्शन में भी हम कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर। कौन सा कलर? डार्क ग्रीन कलर। और सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? आउटलाइन, ठीक है। फर्स्ट वी मेक आउटलाइन ऑफ द फिगर, ठीक है, और फिर इसको हम डार्क डार्क कलरिंग करके कंप्लीट करेंगे। सी मैम ने यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर किया ना, बट लेग्स में लाइट ग्रीन कलर किया और यहाँ पे डार्क ग्रीन एंड डार्क ब्लू कलर मैम ने बॉडी में किया है। नाउ अब इसके बाद मैम के पास ये क्या है? फेदर्स है। क्या है? फेदर्स। इन फेदर्स में मैम कौन सा कलर करेंगी? लाइट ब्लू कलर। विच कलर? लाइट ब्लू कलर। ओके, चलिए मैम आपको आपके अभी करके दिखाती है, बट सबसे पहले आपको क्या बनानी है? फेदर्स की आउटलाइन कैसे बनानी है ये देखिए। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फेदर्स की आउटलाइन, और लाइट ब्लू करना है फेदर्स में, ठीक है। फेदर्स में लाइट ब्लू कलर करना है, ठीक है। मैम अभी आपको कंप्लीट करके दिखा रही कैसे कलर करना है। ये देखिए मैम ने यहाँ पे कौन सा कलर किया है? लाइट ब्लू। फेदर्स में कौन सा कलर किया है? लाइट ब्लू, ठीक है। पहले फिर मैम बता रही हूँ, ऊपर रेड कलर, बीक में रेड कलर, आईज में कोई कलर नहीं करना है, बॉडी डार्क ब्लू, लेग्स लाइट ग्रीन, दिस पोर्शन डार्क ग्रीन, येलो, रेड एंड बैक में जो फेदर्स हैं उनमें मैम ने आपको बताया कि लाइट ब्लू कलर करना है। अब हम इन फेदर्स में क्या करेंगे? बिंदी पेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी करेंगे? बिंदी पेस्टिंग एक्टिविटी। और आपको इस साइज की रेड कलर की बिंदीज लेनी है, बहुत बड़ी नहीं, मीडियम साइज की आपको बिंदी लेनी है। इस तरह का पैकेट आपको मार्केट में मिलेगा, ठीक है, बिंदी का। आपको उसमें से किस कलर की बिंदी का यूज करना है? रेड कलर की बिंदी का, ठीक है। अब मैम आपको बता रही है कि आपको बिंदी कहाँ पे लगानी है, ठीक है। आप पेपर से बिंदी निकालेंगे पैकेट से, ओके, आपने बिंदी हाथ में ली, ये बिंदी है, ये बिंदी है, बिंदी को हम फेदर के यहाँ से लगाना शुरू करें, इस कॉर्नर से। यहाँ हम सारी बिंदी लगाएंगे, पहले फर्स्ट फेदर में लगाएंगे, ठीक है। पहले हम कहाँ लगाएंगे? फर्स्ट फेदर में, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है, थोड़ी डिस्टेंस पे लगाएंगे, दिख रहा है सबको? पहले फेदर में हम बिंदी लगा रही है ना, ये देखिए, पहले हम नंबर वन फेदर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक बिंदी को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में लगाते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट फेदर कंप्लीट हो गया ना। अब जिस साइड ये लगाई वैसी तरह ये जहां पे कोन निकली है ना इसी साइड हमको बिंदी लगानी है, जिधर कोन निकली है उसी साइड हमको बिंदी लगानी है। अब देखिए हम मैम दूसरे फेदर में लगा रही हैं। सबसे पहले मैम ने टॉप में लगाया, ठीक है, ऊपर वाले में भी मैम टॉप में लगा रही हैं। सबसे पहले हम कोन में लगाएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ी डिस्टेंस से लगाते जाएंगे, दिख रहा है ना सबको? बहुत ध्यान से देखना है मैम कैसे लगा रही है। एक एक बिंदी निकाल के लगाएंगे और कोन वाली साइड में लगाएंगे, ठीक है। सबको दिख रहा है ना? इस तरह आप कोन वाली साइड में बिंदी लगाते जाएंगे, ठीक है।
सबको दिख रहा है? बिल्कुल जैसे मैम कर रही है वैसे ही आपको करना है। टू फेदर्स हो गए ना कंप्लीट। अब मैम कौन से फेदर में लगाएंगी? थर्ड फेदर में। सबसे पहले जहां पे कोन है वहां पे लगाएंगे, फिर उसके नीचे लगाना हम शुरू करेंगे और ब्लैक लाइन के अंदर लगाएंगे, ब्लैक लाइन के बाहर नहीं लगाना है। देखिए ब्लैक लाइन को मैम ने टच करते हुए लगाया, ठीक है? आपको भी ब्लैक लाइन से टच करके बिंदी लगानी है। सबको समझ में आया कैसे लगानी है बिंदी? सबको समझ में आया? चलिए मैम अभी आपको कंप्लीट करके दिखाती है। सो चिल्ड्रन देखिए मैम ने पूरे पिकॉक में बिंदी पेस्ट कर दी है। किस कलर की है? रेड कलर की। बिल्कुल जैसे मैम ने लगाई है वन साइड बिंदी, ऐसे ही आपको भी अपने पिकॉक में लगानी है, केवल वन साइड बिंदी लगानी है, ठीक है? जिधर ब्लैक लाइन बनी है उस ब्लैक लाइन के ही अंदर आपको बिंदी लगानी है। तो ये आपकी कौन सी एक्टिविटी रेडी हो गई है? बिंदी पेस्टिंग एक्टिविटी। ओके सो अभी आपको मैम ये पिक्चर भेजेंगी और आपको मम्मा से बोलना है कि वो पिक्चर ड्रॉ करेंगी और आपको इसी तरह से कलर करना है जो कलर मैम ने बताया, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आपको बिंदी खरीदनी है। मम्मा से बोलेगा रेड कलर की मीडियम साइज की बिंदी खरीदनी है, बड़ी बिंदी नहीं खरीदनी, उसे आपको पेस्ट करना है। क्लियर? सो दिस इज योर बिंदी पेस्टिंग एक्टिविटी। ओके बाय बाय।